नंबर देखिए, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है या दस तीन से विभाज्य है, तो यहां पर भी हमें इसके घटक कथन, पहला कथन पी मैं लिख सकता हूं रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और क्यू दूसरा स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं यहां पर दस तीन से विभाज्य है, दस तीन से विभाज्य। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां जो बीच में देख रहे हैं ना, यहाँ पे वियोजन या है, तो अगर इन दोनों में से एक भी सत्य हो तो देख रहे हैं पी वाला कथन सत्य है और ये असत्य है, तो यह इन दोनों का जो मिश्र कथन होगा वो भी आपका सत्य हो जाएगा। समझे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ जो आपका मिश्र कथन है, मिश्र कथन ये किस तरह से है, तो पी रिवर्स कैरेट क्यू है, यही ना है जी। तो यहां पे देख रहे हैं कि कथन पी सत्य है तथा कथन क्यू असत्य है, इसलिए दिया गया मिश्र कथन, दिया गया मिश्र कथन, मिश्र कथन सत्य है। समझ में आया क्यों सत्य हो रहा है, क्योंकि दोनों में से एक चीज सत्य हो जा रहा है, इसलिए सत्य है। चलिए अगला।